हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों को याद करने की ट्रिक जानेंगे। बिल्कुल शानदार तरीके से प्रमुख नदियों पर स्थित प्रमुख जलप्रपातों को याद करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इन सभी नदियों पर स्थित जलप्रपातों को हम ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन उससे पहले इन नदियों पर स्थित जलप्रपातों को एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात है, नीलगिरी नदी पर पायकारा जलप्रपात है, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात है, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात है, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है, सरावती नदी पर जोग जलप्रपात है और नर्मदा नदी पर एन्ना जलप्रपात है। इस प्रकार 10 नदियों पर 10 जलप्रपात दिए हुए हैं। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे, एक स्टोरी और सारे जलप्रपात के नाम याद हो जाएंगे। छोटी सी स्टोरी है, उसमें हमें नदियों के नाम भी याद होंगे और जलप्रपात के नाम भी। तो स्टोरी इस प्रकार है। स्वर्ण के घुंघरू पहनकर नर्मदा ने धुआंधार डांस किया। स्वर्ण के घुंघरू पहनकर नर्मदा ने धुआंधार डांस किया, जिसकी टोन आज भी बिहार में नील गाय के पैरों में पाया करती है। जिसकी टोन आज भी बिहार में नील गाय के पैरों में पाया करती है। जब वहाँ गो गोइंग गॉन होकर चली पूना, जब वहाँ गो गोइंग गॉन होकर चली पूना, तो चमचम की चमक देखने लायक होती है। चमचम की चमक देखने लायक होती है। ये छोटी सी स्टोरी है, इससे हमें नदियों के नाम भी याद होंगे और जलप्रपात के नाम भी याद होंगे। किस प्रकार पे याद होंगे देखिए। स्वर्ण के घुंघरू पहनकर, तो देखिए स्वर्ण क्या बन जाता है, स्वर्णरेखा नदी बन जाता है, और घुंघरू से हुंडरू जलप्रपात। इस प्रकार हम स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात को याद रख सकते हैं। नर्मदा ने धुआंधार डांस किया, तो नर्मदा से नर्मदा नदी बन गया और धुआंधार से धुआंधार जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात को इस प्रकार याद रख सकते हैं। जिसकी टोन आज भी बिहार में, तो टोन टोन से बन जाता है टोंस नदी, और बिहार से बिहार जलप्रपात, तो टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात है, इस तरह याद रहेगा। नील गाय के पैरों में पाया करती है, नील गाय के पैरों में पाया करती है, तो देखिए नील गाय से क्या बन गया, नीलगिरी नदी, और पाया और करता मिलकर पायकारा जलप्रपात बन गया, दोनों से मिलकर क्या बन गया, पायकारा जलप्रपात। तो नीलगिरी नदी पर पायकारा जलप्रपात है। इस प्रकार हम नीलगिरी नदी पर पायकारा जलप्रपात को याद रख सकते हैं। आगे, जब वहाँ गो गोइंग गॉन होकर, जब वहाँ गो गोइंग गॉन होकर चली पूना, तो देखिए गो गो से गोकक नदी, और अगले वाले गो से बन जाता है गोकक जलप्रपात, तो गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात है, इस तरह से याद रहेगा हमें, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात। चली पूना, तो चमचम की चमक देखने लायक होती है। चमचम, तो देखिए चली से बन जाता है चुलिया जलप्रपात, और पूना से बन जाता है पुनासा जलप्रपात। चमचम, चमचम से हमारे दिमाग में बात आएगी चंबल नदी, तो चंबल नदी पर दो जलप्रपात हैं, चुलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, इस तरह से याद रहेंगे हमें। शेष नदियों पर स्थित जलप्रपात को इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो देखिए कांवड़ लेकर हम कहाँ जाते हैं, शिव के धाम, कांवड़ लेकर शिव के धाम जाते हैं, तो कांवड़ से हमारे दिमाग में बात आएगी कावेरी नदी, और शिव से बन जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। कांवड़ लेकर शिव के धाम जाते हैं तो कावेरी नदी, और शिव से शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए सराय, सराय का मतलब होता है तालाब, और तालाब किनारे योग करने से दिमाग तेज होता है, तो सराय से बन जाता है सरावती नदी, और योग से बन जाता है जोग जलप्रपात, तो सरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, इस तरह याद रहेगा। इस प्रकार हमने प्रमुख नदियों पर स्थित प्रमुख जलप्रपातों को याद किया। तो स्टोरी को ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको 100% गारंटी देता हूँ कि
सभी जलप्रपातों के नाम याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।